को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि ये हमारे पुराने साथी हैं। ISF के अंदर भी हम लोगों ने इकट्ठे काम किया था, तो आज माशाल्लाह से यूथ विंग पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने। तो सबसे पहले सर आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। उसके बाद मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी क्योंकि टाइम की कमी है। दो या तीन चीज़ें स्ट्रेटली आप तक पहुँचाना चाहूँगा। जिस तरह भाई ने बताया कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर खान साहब ने सबसे पहले हमें बताया था कि तमाम पाकिस्तान के अंदर यूथ को एक मुख्तस कोटा दिया जाएगा, जिसके ऊपर हम टिकट में यूथ को नुमाइंदगी दी जाएगी। अब मैं अपनी थोड़ी सी रुझान में भाई ने जब छेड़ दिया तो वो रुझान बताता हूँ। मैंने जब अप्लाई किया तो हमें बताया जा रहा था, हमारे जो पार्लियामानी बोर्ड के एक मेम्बर हैं वो मुझे बोलते हैं कि यार आप मेरे बेटों से भी छोटे हो, तो आप किस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि अगर यही करना था तो 2008 में हमें बताना चाहिए था कि यार आप लोगों के साथ ये होगा, आप टिकट के हकदार नहीं हो, तो ये चीज़ों में ना पढ़ोगे। तो हम लोगों को उस वक्त भी इग्नोर किया गया। अब मौजूदा कंडीशन ये है कि इस्लामाबाद के अंदर जो GP की यूथ है, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि उनको मुख्तलिफ जगहों पर एडजस्ट किया जाए। इस टाइम पहले एक टाइम था यूथ इस्लामाबाद के अंदर माशाल्लाह बहुत एक्टिव थी। इसकी मेन वजह ये थी कि जोनल तंजीम का स्ट्रक्चर बना हुआ था इस्लामाबाद, है थी वो अनऑफिशियल, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर जोनल तंजीमों का स्ट्रक्चर बना हुआ था। हम यूथ को गैदर करके अपने पास रखते थे। गिलगित बल्तिस्तान की यूथ के अंदर एक खूबी है जो मैं आप तक पहुँचाना चाहूँगा, हमारा इलेक्शन के टाइमिंग डिफरेंस है, मतलब मरकज़ में अलग टाइम पर होता है, उधर अलग टाइम पर होता है। तो हम गिलगित बल्तिस्तान की यूथ को दोनों जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जब यहाँ हो तो इधर इस्तेमाल किया, गाँव में हो तो वहाँ अपने एक्सपीरियंस उधर लेके जा सकते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट ये कि जोनल तंजीम का अगर स्ट्रक्चर दोबारा बहाल किया जाए तो हमारे जो न्यू लड़के हैं जो पॉलिटिक्स के अंदर इन होना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। गिलगित बल्तिस्तान का कोई घर ऐसा नहीं है मैं समझता हूँ जिसका एक फ़र्द इस्लामाबाद के अंदर कराची लाहौर इस एरिए में ना हो। हमारे मैक्सिमम लोग यहाँ बसते हैं, उनके लिए भी कुछ सोचा जाए। दूसरा, जो मरकज़ी हमारी जो बॉडी बनती है उसके अंदर भी गिलगित बल्तिस्तान के लड़कों को नुमाइंदगी दी जाए। एक फिक्स कोटा रखा हुआ, उसके अंदर मखसूस कुछ सूबे हैं उनको दिया जाता है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को थोड़ा सा पीछे रखा जाता है। तो मीना भाई, आपसे हमारी बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। हमारी ख्वाहिश पहले भी थी कि आप लीड करें, लेकिन अल्लाह ने अभी आपको मौका दिया, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप साबित करेंगे कि आप डिज़र्व करते थे इस सीट के लिए। तो हमारी तमाम यूथ की जो उम्मीदें हैं इस टाइम आपसे जुड़ी हुई हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे उम्मीदों पर पूरा उतरोगे। बहुत शुक्रिया।